ये जो इंटेलिजेंस है ना, हमने कहा था माइंड इज ब्रेन प्लस इंटेलिजेंस, द ब्रेन इज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस. जब तक ये ब्रेन परिपक्व नहीं होगा, एक मैच्योरिटी को नहीं पहुंचेगा, इंटेलिजेंस का एक्सप्रेशन नहीं हो सकता. यही कारण है कि एक छोटा बच्चा विवेकशील नहीं हो सकता, इंटेलिजेंस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी उसके पास सफिशियंट ग्रे मैटर भी नहीं है. और यही कारण है कि क्यों जानवर सिर्फ एक कंडीशन मशीन की तरह ही काम करेंगे. ये मस्तिष्क सिर्फ फिजिकल मैटर और कोई बात ही नहीं. और यही कारण है कि क्यों बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी मूर्खों जैसी हरकत करने लगेगा उसके सर पे एक डंडा वाला तो. और तुम यहां बैठे हुए हो, भी दो इलेक्ट्रोड लगा दी जाए तुम्हारे, तुम बिल्कुल बंदर भी शर्मा जाए, ऐसे ऐसे नाच नाचोगे. बस दो इलेक्ट्रोड लगाने की देर है सही जगह पे. ब्रेन की बात है, जानवरों का ब्रेन नहीं विकसित होता. तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें ये मिला है, पर तुम उतने ही बड़े दुर्भाग्यशाली भी हो कि तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे. जितना बड़ा सौभाग्य है उतना ही बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य भी है. तुम्हें ये मिला, ये बड़ी एक विलक्षण बात है, पर तुम जानते ही नहीं कि इसका करना क्या है. इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता. बेटा कुछ खास करना नहीं है, सिर्फ ये कि जो कुछ इसकी अभिव्यक्ति को रोकता है उससे दूर रहो. हमने कहा ना कि इंटेलिजेंस ध्यान के माहौल में ही प्रतिफलित होती है. ध्यान के कुछ दुश्मन होते हैं, उन दुश्मनों से बचना है. ध्यान का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्टरबेंस, विक्षेप. जो भी स्थिति, जो भी लोग तुम्हारे जीवन में डिस्टरबेंस लेकर के आते हो उनसे बचो, बिल्कुल जान बचाओ. कीमत जो भी अदा करनी पड़े लेकिन बचो उनसे. जो किसी भी तरीके से तुमको विचलित करते हो लोग, उनसे दूर रहो. ध्यान का दूसरा दुश्मन है डर. जो भी लोग तुम्हारे मन में डर बैठाते हो, पढ़ लो नहीं तो ये हो जाएगा, डिग्री ले लो नहीं तो बेरोजगार रह जाओ, किसी भी तरह का कोई भी डर, जो भी ताकत तुम्हारे मन में बैठाती हो उस ताकत से किनारा करो. तीसरा दुश्मन है ध्यान का लोभ. जो भी कोई तुम्हें किसी भी तरह का लालच देता हो उससे बचो. इतना बार कर लोगे तो सब ठीक हो जाएगा. इस लोभ में मोह भी आता है. इतना कर लोगे तो सब हो जाएगा. डिस्टर्बेंस, फियर, ग्रीड, इन तीन से बच लो, होश कायम रहेगा. इन तीन से बच लो, होश पूरी तरह कायम रहेगा. बेटा कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता बिना तुम्हारी अनुमति के. अगर तुम्हारे पास बचने का कोई तरीका ना होता तो मैं तुमसे ये बात कहता ही नहीं. अगर डरना तुम्हारी नियति होती तो फिर मैं ये कहता ही नहीं कि डर से बचो. पर तुम खुद चुनाव करते हो डरने का. कैसे? डर तुम्हारे मन में हमेशा इस बात का होता है कि तुमसे कुछ छिन जाएगा. अगर मैं तुमसे डर रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस कारण डरता हूं कि तुम मुझसे कुछ छीन लोगे. तुम मुझसे क्या छीन सकते हो बेटा? तुम मुझसे सिर्फ वही छीन सकते हो जो तुमने मुझे दिया है. जो तुमने मुझे दिया ही नहीं, जो मेरा ही है, वो तुम मुझसे छीन नहीं पाओगे. हमारी दिक्कत यह है कि हमने जिंदगी को भर रखा है सिर्फ और सिर्फ दी गई चीजों से. इसी कारण तुम डरते हो कि वो तुमसे कोई वापस छीन लेगा. तुम्हें नाम किसी और ने दिया है, तुम्हें पहचान किसी और ने दी है, तुम्हें पैसे कोई और दे रहा है, सब कुछ तो तुम्हारा दूसरों को दिया हुआ है. तुम्हें सर्टिफिकेट किसी और ने दिए हुए हैं, तुम्हें आश्रय कोई और दे रहा है, तुम्हारी सारी धारणाएं किसी और की दी हुई है. बस इसी कारण तुम डरते हो कि क्योंकि किसी और ने दिया है तो वापस ना ले ले मुझसे. डर का तुम्हारा सिर्फ ये कारण है, तुमने अपनी स्वतंत्रता जो है बेच रखी है. तुमने कहा है कि मुझे ये सब तुच्छी सुविधाएं दे दो, नाम दे दो, पहचान दे दो, धारणाएं दे दो, थोड़ी सी और सहूलियतें दे दो, और इनके बदले में मेरी स्वतंत्रता ले लो.
इसी कारण करते हो, ये तुमने ले रखा है ना, इसी के छिन जाने का डर है बस। और ये लिया जो तुमने है, ये बड़ा महंगा सौदा करके लिया है। जैसे कोई 1 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए की चीज दे दे, तुम्हारी जो स्वतंत्रता है वो अनमोल है, और तुमने उसको बहुत तुच्छी चीजों के लिए बेच दिया है। ये सौदा करना तुम जैसे ही बंद कर दोगे, डर भी चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये लेना कम करो, ये जो तुम इतना ले रहे हो, पहली बात तो बेमोल नहीं ले रहे हो, उसी कीमत दे के ले रहे हो। ये लेना बंद करो, जैसे जैसे लेना बंद करोगे, जैसे जैसे आत्मनिर्भर होते जाओगे हर तरीके से, वैसे वैसे मन से डर भी जाता जाएगा। बेटा जहां पर प्रेम होता है वहां पर शर्तें नहीं होती, और वहां पर इस तरह की बातों की गुंजाइश भी नहीं होती कि अरे अभी हम पे निर्भर नहीं है तो इसका मतलब कि अब एक दूरी आ गई है। प्रेम तो चाहता है कि तुम आत्मनिर्भर बनो। अगर मुझसे मुझे प्रेम है तुमसे, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम उस पे डिपेंडेंट रहो। अगर वाकई मुझे तुमसे प्रेम है तो मैं चाहूंगा कि तुम अपने पांव पे खड़े हो, अपने पंखों से उड़ो। वाकई अगर मुझे प्रेम है तो मैं थोड़ी कहूंगा कि मेरे बंधन में बंध के रहो। प्रेम तो मुक्त करता है। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम है भी या कुछ और है? प्रेम प्रेम नहीं अगर वो मुक्ति न दे।